हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करूंगा मार्वल और डिज्नी प्लस की अपकमिंग टीवी सीरीज वांडा विजन से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। साथ ही साथ बात करूंगा कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में, तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले वांडा विजन इंग्लिश में रिलीज होगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। जी हाँ, आप इसे प्रीमियम में इंग्लिश में देख सकते हो। और इसकी जो स्टोरी होगी वो एवेंजर्स एंड गेम के बाद की होगी, और इसकी टीवी सीरीज के जो लास्ट एपिसोड होंगे वो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से डायरेक्ट कनेक्ट करके दिखाए जाएंगे। पहला एपिसोड आपको दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगा, और बाकी के सीजन के जो एपिसोड होंगे और सीजन 1 के जो एपिसोड होंगे वो आपको 2021 में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे कुछ रूमर्स आ रहे हैं बाकी के एपिसोड्स के लिए। फिर भी जो भी अपडेट होगा इसके रिलीजिंग डेट को लेकर, एपिसोड को लेकर, मैं आपको बता दूंगा, जैसा कि मैंडलोरियन के साथ हुआ था। और उसके साथ बात करते हैं मिशन इम्पॉसिबल 7 की नई सेट इमेजेस के बारे में, जिसमें कि एमिली हमें लड़ती नजर आ रही हैं। और देन सीन देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि मुक्केबाजी काफ़ी जोरों शोरों से होने वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैंने कि सोचा इसको भी कवर कर लिया जाए। उसी के साथ अगला अपडेट है स्पाइडरमैन से रिलेटिव। तो फाइनली टॉम हॉलैंड ने अपने इंस्टाग्राम पर ये इमेज शेयर करी जिसमें कि स्पाइडरमैन मास्क पहनता हुआ नजर आ रहा है, और देन राइट हैंड में एक हैंड नजर आ रहा है। अब वो किसका है ये अभी पता नहीं चला है। डी जॉनसन स्कॉर्पियो किन के ऑफिशियली प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस करने से एग्री कर लिया है, पर इस मूवी में वो स्कॉर्पियो किन का कैरेक्टर प्ले नहीं करेंगे। दी इंटरनल्स का ऑफिशियली नया कॉन्सेप्ट आर्ट नजर आया है, जिसमें कि हमें फाइनल कॉस्ट्यूम नजर आई है दी इंटरनल्स एक्टर्स की। तो अब ट्रेलर का इंतजार है सभी फैंस को। उसी के साथ अकीरा का ऑफिशियली फर्स्ट लुक भी दिख गया है, जो कि एकदम काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। फिलहाल तो ये लीक है पर एकदम ऑफिशियल है, कोई भी फेक नहीं है। उसके साथ प्लेस्टेशन 5 से रिलेटेड अपडेट ये है कि आपको 8K रेजोल्यूशन में ये देखने को मिलेगा फुल गेम का अपडेट, और देन HDR में तो सपोर्टेबल है ही है। मिस मार्वल का ऑफिशियली वर्किंग डायरेक्टर रिवील कर दिया, जो कि है लिब्रा। अब ये क्यों रखा गया है, पर जो भी है मार्वल सोच समझ के करता है। फाइनली क्विट प्लेस का तीसरा पार्ट कंफर्म हो चुका है, और इस टाइम ये डेवलपमेंट में है और इसकी स्टोरी पे कंटिन्यूस काम करा जा रहा है। बोबा फेट, जो कि एक स्टार वॉर्स का कैरेक्टर है, इसके ऊपर डिज्नी प्लस पे एक मिनी सीरीज बन रही है जो कि दी मैंडलोरियन से कनेक्ट होगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ जोरासिक वर्ल्ड, जो कि एक अपकमिंग साइंस फिक्शन मूवी है, तो फाइनली इसकी शूटिंग फिनिश हो चुकी है, और इस मूवी में हमें लेजेंडरी कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, और ये मूवी रिलीज होगी 2021 में। उसके साथ अगली मूवी नाइट एंड द फॉल, जो कि फोर्थ पार्ट है एंजल फ्लिन, जो कि बहुत ही कमाल की मूवी है, और देन मैं काफ़ी टाइम से इसका इंतजार कर रहा हूँ हिंदी अपडेट का। उसी के साथ स्कूबी डू की जो को डायरेक्टर हैं और राइटर हैं वो फाइनली अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनकी डेथ हुई है इसी साल। और अब बात करते हैं अपकमिंग मार्वल की मूवी गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की। स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है और जेम्स गन ने इस चीज़ को खुद ही कंफर्म करा है। ब्लड शॉट का सेकंड पार्ट कंफर्म हो चुका है, और विन डीजल के साथ यूनिवर्सल काम कर रहा है इस मूवी को लेकर। तो गाइस, पहला पार्ट तो समझ लो फ्लॉप होने से बच गया, पर सेकंड पार्ट कैसा होगा अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। रॉन्ग टर्न, जो कि एक सेक्सुअली और देन काफ़ी हॉरर टाइप की मूवी है, तो फाइनली ये पूरी की पूरी सीरीज रिबूट हो रही है। अब तक इसके 7 पार्ट आ चुके हैं। मार्वल एवेंजर्स ब्लैक पैंथर क्यूज के फाइनली आपको हिंदी के एपिसोड जल्दी देखने को मिलेंगे मार्वल HQ TV चैनल पर, तो गाइस देखिएगा जरूर। उसी के साथ फास्ट 9 का साउंड ट्रैक कम्प्लीट हो चुका है, ट्रेलर ऑलमोस्ट रेडी है, तो गाइस इंतजार करिए बस ट्रेलर की रिलीजिंग डेट का। उसी के साथ द हॉरर स्टोरी स्पिन ऑफ का फर्स्ट पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है। और देन अगर आपने इससे पहले हॉरर स्टोरी नहीं देखी अमेरिकन वाली, तो गाइस देखिएगा, बहुत ही कमाल की है। और ब्लैक विडो का ऑफिशियली टास्क मास्टर का कौन सा पार्ट रिलीज कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं ब्रेकिंग अपडेट के बारे में। तो डिज्नी हॉटस्टार प्राइम वीडियो पे जितनी भी टीवी सीरीज आती थी नेटफ्लिक्स पर अडल्ट सेक्सुअल सीन, तो वो कोई भी कट नहीं करे जाते थे, तो फाइनली अब इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है। और जैसे कि कह सकते हो कि अल्ट वाला जी पे जो गंदी बात सीजन आता था कि पूरी की पूरी न्यूड सीन दिखा देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अपकमिंग टीवी सीरीज में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, और वो चेक करके ही OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी टीवी शो रिलीज करेगी, तो ये बहुत ही चौंकाने वाला है। और देन फैंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हैं इस चीज़ को लेकर। आपका क्या मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म पर फुली न्यूड सीन आने चाहिए, गाली गलौज आनी चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।